बहुत लोगों मैं ठीक है जैसा कि आप लोग के को भी जानकारी होगी, इसको लेकर पुलिस पर सभी स्रोतों से काफ़ी पूछताछ जानकारी प्राप्त की जा रही थी। आप लोगों के माध्यम से भी काफ़ी इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसको लेकर लगातार फॉलोअप किया जा रहा था। विशेष टीम का गठन करके SDPO सदर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर मुफसिल, SHO चकमैसी, SHO कल्याणपुर, DIU प्रभारी और अन्य टीमों के द्वारा लगातार इसका फॉलोअप किया जा रहा था। इसको लेकर इसको पकड़ने में सफलता हम लोग को मिली है, इसके लिए पुलिस टीम को पुरस्कृत किया गया। इसके नेटवर्क सर क्या जिन्होंने पुराने रिकॉर्ड को भी सर जमानत जब्त कराया जाए, हम लोग इसको बेल कैंसिलेशन का प्रस्ताव निसंदेह इसके विरुद्ध हम लोग समर्पित करेंगे। दरभंगा अभी तक जो कार्यक्षेत्र इसका जानकारी प्राप्त हुई है, अभी तक इसका दरभंगा में इसके केसेज है जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, ऑफिशियल हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और मुजफ्फरपुर में भी इसके केसेस होने चाहिए, तो इसके बारे में जानकारी हम लोग मुजफ्फरपुर पुलिस को भी दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि एक व्यक्ति की चकमैसी थाना क्षेत्र में हत्या हुई थी शमशेर की, जिसमें उसको लगा उसको 4-5 गोलियां मारी गई थी और उसकी शमशेर की जो का शव की बरामदगी मधुबनी थाना बनवरी क्षेत्र में हुआ था, जिसको लेकर चकमैसी थाना कांड संख्या 253/20 दर्ज किया गया था, जिसमें प्रभात चौधरी जो एक वांटेड अपराधी है, कुख्यात अपराधी है, जो विभिन्न प्रकार के अपराध में रंगदारी से लेकर फायरिंग से लेकर और शराब के व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ था, और उसके साथियों के द्वारा शमशेर की हत्या करके मधुबनी जिले में उसके लाश को फेंका गया था। इसको लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया SDPO सदर के नेतृत्व में, जिसमें मुफस्सिल थाना, कल्याणपुर थाना, DIU, चकमैसी थाना प्रभारी और अन्य टीमों को लगाया गया था, और लगातार दरभंगा और अन्य क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही थी। इसकी सूचना ये भी प्राप्त हुआ था कि घटना के बाद ये देवघर के रास्ते फिर वो दिल्ली भाग गया है, इसको भी हम लोग फॉलो कर रहे थे। फिर कल हमें दिनांक 10 फरवरी को जानकारी प्राप्त हुई कि ये अपराधी अब अपने घर गांव आया हुआ है। इसको लेकर QRT और विशेष टीम का गठन करते हुए उसके गाँव की घेराबंदी की गई, और इसको इस अपराधी को एक लोडेड पिस्टल, कारतूस, 4 मोबाइल और एक गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस अपराधी के पीछे लगातार हमारी टीम लगी हुई थी, जो इसने जो अपने बयान में स्वीकार किया कि शमशेर की हत्या आपसी वर्चस्व को लेकर, दो गुटों में जो वर्चस्व की लड़ाई उस क्षेत्र में शराब के व्यवसाय को लेकर था, उसको लेकर उसने शमशेर की हत्या की, और घटना करने के बाद वो देवघर के रास्ते वो दिल्ली भाग गया था। इसने अपने अन्य साथियों के नाम का खुलासा किया है, जिसको समय आने पर आप लोगों के साथ हम लोग साझा करेंगे। इसके पास से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, एक कार और 4 मोबाइल इसके पास से बरामद हुआ है। इसका आपराधिक इतिहास भी है। हमारे क्षेत्र में अब तक इसका 11 कांड में ये आरोप पत्रित या फरार चल रहा है। इसके अलावा दरभंगा में भी इसके सक्रिय सदस्य हैं। इसको लेकर हम लोग दरभंगा पुलिस से भी संपर्क करेंगे और उनसे भी सहयोग प्राप्त करेंगे, उनको जानकारी देंगे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में भी ये अपने साथियों के साथ शराब का व्यवसाय करता था। बिहार के अलावा किन किन राज्यों में इनका नेटवर्क है? जैसे ये इस क्षेत्र का एक सप्लायर हो गया था, ये डायरेक्ट हरियाणा और जो अन्य राज्य हैं वहाँ से वो शराब मंगा के
और मंगाने के बाद यहाँ पे नीचे के लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करता था।